बालिका वधु भाग 19। कितना सुकून है यहाँ पर, बस यहीं बैठ जाने का दिल करता है। इतना सुकून तो उस नरक से जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं था। और सीता धुन के साथ अपने पांव को थिरकाकर कपड़ों के साथ इतराते हुए वहीं इठलाते हुए नाचने लगती है। झूम लो झूम लो जी करता है इस जमी को, झूम लो झूम लो झूम लो झूम लो झूम लो। सीता बस उस धुन की ओर चलने लगती है। तभी सीता को दूसरी ओर से बच्चे के रोने की आवाज आती है, मगर सीता आवाज को अनसुना कर उस मीठी धुन की ओर ही बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह आगे चल रही थी, रोने की आवाज उतनी ही बढ़ रही थी। अरे आखिर ये किस बच्चे की रोने की आवाज है? और सीता उस आवाज की ओर मुड़ जाती है। वह मधुर धुन अब सीता से पीछे छूट रही थी। तभी पेड़ के पीछे से भगवाधारी सीता निकलती है और सीता को आवाज लगाती है। मत जा सीता उधर, तुम्हारी जगह सिर्फ ये दुनिया है। तुम्हारे खुद के अच्छे कर्मों का फल है ये स्वर्ग। फिर से उस ओर जाकर इस मोह माया जाल में मत फंस सीता। ये सुन सीता फिर से वापस उधर ही लौटने लगती है। लेकिन तभी उस ओर एक और सीता आती है। तू इतनी स्वार्थी कब हुई सीता, जो अपनों का साथ छोड़कर इधर आ गई? देख तेरा मुन्ना तेरा बाबू तुझे सब पुकार रहे हैं। तभी सीता की नजर अपने गर्भ पर जाती है। सीता दोनों ओर देखती है, मगर बच्चे का विलाप इस सुकून के आगे जीत जाता है और सीता उस ओर चली जाती है। भगवादारी सीता भी सीता को जाता देख गायब हो जाती है। थोड़ी दूर चलने पर सीता को एक तेज रोशनी नजर आती है। ये क्या है? और सीता उस रोशनी में जैसे ही प्रवेश करती है, वहाँ बच्चे के रोने की आवाज और अधिक तेज हो जाती है। सीता देखती है कि वह हॉस्पिटल में खड़ी है और सामने एक दरवाजा है जिस पर कांच लगा है। कांच में जैसे ही सीता झांक कर देखती है, वह एकदम सफेद हो उठती है। सीता देखती है कि सामने बिस्तर पर सीता खुद लेटी है और कोने में शर्मन बैठा हुआ रो रहा था। तभी वह देखती है कि हॉस्पिटल का एक आदमी सीता की लाश को लेकर जा रहा होता है, जिसे शर्मन रोक रहा था। और सीता की नजर उसके बगल में लेटे उसके नन्हे से बच्चे पर पड़ती है, जो भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। वे रो रहा था क्योंकि अभी तक उसकी माँ ने उसे छुआ नहीं था। बच्चा रो रहा था क्योंकि अब जैसे ही वह इस अस्पताल की दहलीज लांघेगा, समाज उसे तानों के सिवाय कुछ नहीं देगा। कौन बोलेगा पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, तो कोई उस बेचारे को बिन माँ का बेटा कहकर टॉर्चर करेगा। रोते रोते अचानक सीता का लल्ला करवट लेने लगता है और गिरने वाला होता है। शर्मन या किसी और का भी ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। ये देख बाहर खड़ी सीता की माँ की ममता फट पड़ती है। ये देख सीता जोर से चीखती है, मुन्ना नहीं। और सीता की आत्मा फिर से उस रास्ते से लौटकर उसके शरीर में आ जाती है। मुन्ना। सीता उठते ही सबसे पहले अपने बच्चे को सीने से लगाती है और उसे ढेर सारा लाड करती है। अपनी माँ के सीने से लगते ही बच्चा अपने आप ही चुप हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सब कहानी को रोकने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैं चली गई थी। मगर अब आप ही चाहते हैं ना कि सीता कहीं ना जाए, तो इसलिए हमें आपकी पसंदीदा कहानी को एक नया सुंदर मोड़ देना पड़ा, बस हमारे प्यारे दोस्तों और लव सिटी परिवार के लिए। पर आप में से जो लोग भी खफा हैं या नयापन चाहते हैं, तो बस विश्वास रखिए, इसमें भी और आगे आने वाली सभी कहानियाँ आपको अलग और नई मिलेंगी। क्यों, है ना मुन्ना? इसलिए चिंता मत करिए, सीता के साथ साथ समाज में दबी हुई राधा मीरा की और न जाने ऐसी कितनी ही अनगिनत कहानियाँ आप तक पहुँचाई जाएंगी, जिनमें प्यार दर्द जुनून संदेश सामाजिक और पारिवारिक भाव हर तरह का स्वाद होगा। इसलिए बस थोड़ा विश्वास बनाए रखें और अब देखिए आगे का तड़का। सीता को फिर से जिंदा होते देख शर्मन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बस सीता की ओर देखे जा रहा था। तभी बाकी घर वाले भी वार्ड के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं सीता तो अपने बच्चे को खिला रही थी। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। छोटी तू। और रानी जैसे ही सीता की ओर आगे बढ़ने लगती है, तभी सीता हाथ का इशारा कर उसे वहीं रोक देती है। आप सभी बाहर जाइए, मेरे बच्चे को भूख लगी है।
और सब लोग सीता की बेरुखी को इशारा समझकर उसे अकेला छोड़ देते हैं। मेरे मुन्नी, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ तुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ गई थी ना, पर अब नहीं जाएगी, कभी नहीं, हर दम तेरे साथ रहेगी बेटा। उधर पूनम भी बेहोश पड़ी थी, तभी उसे होश आता है और वह पास खड़ी नर्स को चिढ़कर बोलती है, ए सर्वेंट। पूनम की घटिया बर्ताव से सब लोग वैसे ही चिढ़े हुए थे। नर्स पूनम को सुनकर भी अनसुना कर देती है। ए नर्स, सुनना, मेरा बेटा किधर है, ला मेरी गोद में देना। वो रहा पालने में उधर तुम्हारा बच्चा, क्या खाली फोकट नाटक करती हो मैडम, मेरे को बहुत काम है, तुम खुद ही देख लो ना। और नर्स बहाना देकर वहां से फुर हो जाती है। पूनम बड़ी ही खुश होकर स्ट्रेचर से उठती है और पालने में रखी अपनी औलाद को देखकर बड़ी खुश होती है। ये आया मुझे ढेर सारी दौलत दिलाने वाला, मेरी किस्मत की चाबी, मेरी खुशियों का ताला, इतना खुश होना कि बता ही नहीं सकती। और जैसे ही वह अपने बच्चे को उठाकर देखती है, पूनम पाती है कि वह लड़का नहीं, उसकी तो बेटी हुई है। यह देखते ही पूनम को खुद को ठगा सा महसूस करती है। नहीं, ये मुझे क्या पैदा हो गया, मुझे तो बेटा होना चाहिए था, ये मेरी किस्मत में ग्रहण कैसे लग गया। और पूनम चीखते हुए बाहर आती है। बाहर खड़ा सारा परिवार पूनम के तमाशे देख रहा था। ये क्या हो गया, हाँ शर्मन, ये तुमने क्या किया, बोलो ना ये क्या हो गया। मगर शर्मन पूनम से मुंह फेर लेता है। पूनम अपना सिर नोच रही थी तो कभी हंस रही थी। शर्मन क्या लगता है, पागल वागल हो गई क्या। पूनम हंसते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाती है और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से छाती पीटते हुए बेटी होने का मातम मनाने लगती है। अरे सिस्टर, आखिर हुआ क्या इस पागल को। अरे सर, जब से होश में आई है मेरा बेटा कर रही थी, जब ये देखा कि इसे बेटा नहीं बेटी हुई है तो बकला गई है। अब बताओ, मेरी चार बेटियां हैं, तब भी मेरा गवार पति भी यही कहता है कि मुझे तो हमेशा बेटियां ही चाहिए, क्योंकि बेटियां तो घर का शांति संपत्ति सुख बनकर आती हैं, और ये मैडम तो पढ़ी लिखी होकर भी ड्रामे कर रही हैं। हाँ, पागल कहीं की। पूनम को अचानक ध्यान आता है कि सीता के भी तो बच्चा होना था, इसलिए वह किसी से पूछती है। उनके तो बेटा हुआ है, बड़ा ही चमत्कारी बच्चा है, मरी हुई माँ के भी प्राण वापस ले आया। पूनम जैसे ही है सुनती है, लगता है जैसे उसकी छाती पर से तो सांप ही लौट गया था। मुझे तो लगा था मेरे बेटा होगा, तो शर्मन को फंसाकर उसकी दौलत ले लूंगी। वैसे उसके पास ज्यादा नहीं है, मगर उस सीता के बाप ने काफी कुछ उसे दे दिया, सब ले लेती और फिर मजे से जीती, मगर उसने सब खराब कर दिया। सीता, तूने मेरी किस्मत छीनी है ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। उसकी आंखों में उस जुनून को देख डर लगने लगता है। पूनम उठती है और अंदर आती है। वह सबसे नजर बचाकर सीता के कमरे की ओर जाती है। सीता वहाँ अपने बच्चे को खूब लाड कर रही थी। लल्ला लल्ला लोरी, मेरा मुन्ना लाएगा छोरी, छोरी होगी प्यारी प्यारी, बनकर रखेंगे राज दुलारी। है ना बाबू, है ना, देखो तो छोरी का नाम सुनकर कितना मुस्कुरा रहा है मेरा मुन्ना। सीता, ये खुशियाँ अब ज्यादा समय तक टिकेंगी नहीं। तभी सीता की नजर दरवाजे की ओर जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ से कोई उसे देख रहा है। ये देख सीता बेचैन हो जाती है। पूनम मौका ढूंढती है कि सीता कब वहाँ से हटे। जैसे ही सीता मुन्ने को सुलाकर वॉशरूम जाती है, पूनम कमरे के अंदर आकर वार्ड का दरवाजा बंद कर देती है और फिर सीता के बच्चे को पास आकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ वह उसे गोद में उठाती है। खेल खत्म सीता बेबी। सीता अंदर थी मगर उसे महसूस होता है कि बाहर कमरे में कोई है। सीता बेचैन होकर बाहर निकलने लगती है, तभी देखती है कि बाथरूम का लॉक तो बाहर से लॉक कर रखा था। कोई है क्या बाहर, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। सीता की घबराहट के बीच उसे पूनम की हंसी सुनाई देती है। बाहर तो मैं हूं ना। सीता ये सुनकर डर जाती है, वह पूनम के बुरे इरादों को पहले से ही समझती थी। पूनम नहीं, मेरा बच्चा नहीं, उसे मत छूना। बाय बाय सीता डार्लिंग। और पूनम वहां से चली जाती है। खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरा मुन्ना बाहर अकेला है, प्लीज कोई तो खोल दो, मैं भीख मांगती हूँ। कुछ पल बाद सीता की चीख सुनकर एक वार्ड बॉय आकर उसका दरवाजा खोलता है और सीता जैसे ही बाहर आकर देखती है तो उसका बेटा वहाँ कमरे में नहीं था। वह अब समझ गई थी कि पूनम अपने गंदे इरादे और नफरत का बदला उस नन्ही जान से निकालने वाली है। सीता की सारी जान एकदम झड़ जाती है। वह बदहवासी में दौड़ते हुए बाहर आती है। मेरा मुन्ना,
मेरा मुन्ना। वह देखती है कि बाहर सब लोग ने जमकर भीड़ लगा रखी है और सब लोग खुसर फुसर कर रहे थे। पूनम ने आखिरकार अपनी चाल चल ही दी और वह हाथ में बच्चे को थामे थामे सड़क पर चली जा रही थी। रोते रोते पूनम के चेहरे पर काली दो धारियां बन चुकी थी। आंखों में प्रतिशोध की लालिमा उसे किसी सीरियल की वैम्प से कम नहीं दिखा रखी थी। लड़खड़ाते कदमों में भी वह एक ही पागलपन था। तभी उसकी गोद में जो बच्चा था वह रोना शुरू करता है। यह देख पूनम को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसकी ओर आंख निकाल कर देखती है। चुप हो जा एकदम। अगर अभी रोना बंद नहीं किया ना तूने, तो ये नाखून है ना बड़े बड़े, इससे तेरी गर्दन में चुभ होकर वैसे ही हमेशा के लिए चुप कर दूंगी। करूं? करके दिखाऊं? दिखाऊं क्या? सीता कांपते कदमों से भीड़ की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह चल रही थी उसके कानों में लोगों की आवाज भी पड़ रही थी। अरे ये देखो क्या हो गया, आज से पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। सब ईश्वर का किया हुआ है दोस्त, हम इंसान तो बस उनके हाथों की छड़ी हैं। जैसे वो घुमाता है बस सब वैसे ही चलता है। खैर क्या हो रहा है वहाँ? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बहुत बैठा जा रहा है, एक एक कदम पहाड़ लग रहा है। सीता हिम्मत हार चुकी थी। वही खड़ी होकर चीखते हुए अपने मुन्ने का गम और विलाप करने लगती है। उसका विलाप सुनकर भीड़ भी चौंक उठती है और साइड हटती है। तभी सीता देखती है कि शर्मन किसी बच्चे को खिला रहा था और वह दौड़कर सीता के पास आता है। सीता क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? शर्मन, वो ले गई हमारे बच्चे को। कौन ले गई? शर्मन वो आई थी मेरे कमरे में और मुझे लॉक कर दिया और मुन्ने को उठा ले गई। तभी सीता की बात शर्मन समझता है कि इसी बीच नर्स आकर उन्हें कहती है, वो आपके साथ वाली मैडम थी ना, वो तो हाथ में बच्चा लेकर यहाँ से भाग गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो गुस्से में यहाँ से निकल गई। शर्मन सुना तुमने, वो हमारा बच्चा लेकर गई है। शर्मन मुझे भी जाना होगा, हटो आप सभी। एक मिनट सीता, मेरी बात तो सुनो। नहीं शर्मन नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सीता मैंने बोला ना बात तो सुनो। और शर्मन सीता को पकड़कर उसे कंट्रोल में लाता है। ये देखो हमारा बेटा यहाँ है मेरे पास, देखो तो सही, फिजूल। और सीता देखती है कि उसका बेटा तो सच में शर्मन के पास था। ये देख उसकी जान में जान आती है। फिर ये सब लोग यहाँ ऐसे क्यों है? अरे ये तो हमारे बेटे का टैलेंट देखने को खड़े थे यहाँ पर। देखो हमारा बच्चा कितना एक्स्ट्रा कलाकार है, अभी जन्मा ही है और देखो कैसी कैसी अटखेलियां करता है। सीता मुन्ने को देखकर बड़ा खुश होती है। तो फिर वो पूनम किसके बच्चे को लेकर गई है? सब एक दूसरे को देख रहे थे। पूनम के हाथ में उसी की बेटी थी जिसे लेकर वह हॉस्पिटल से चली आई थी। क्यों हुई तू लड़की, जब भी तुझे देख रही हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। तभी पूनम फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है जिस नंबर पर बॉस लिखा था। हेलो पूनम। सॉरी बॉस, हमारा वो प्लान तो खराब हो गया, मुझे बेटा नहीं बेटी हुई है। नहीं ये बर्बादी यहाँ नहीं रुक सकती। बालिका वधू की कहानी में जब तक जान है तब तक ये आपका मनोरंजन कराने आएगी और जल्दी ही नई कहानियाँ भी आने वाली हैं। बस थोड़ा संयम, विश्वास, प्यार और साथ बनाए रखें और देखते रहिए आपका अपना चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।